હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ યુ લર્નને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો અને શેર કરો, અને સાથે સાથે બેલ આઇકોન દબાવો કે જેથી કરી અમારો વિડીયો તમને પ્રથમ મળે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ યુ લર્નને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો અને શેર કરો, અને સાથે સાથે બેલ આઇકોન દબાવો કે જેથી કરી અમારો વિડીયો તમને પ્રથમ મળે. સાયન્સ સે ગ્રેજ્યુએટ, મેકેનિકલ સે બીઈ और अमेरिका से मास्टर ऑफ साइंस जैसी डिग्री लेने के बाद यदि कोई डेयरी प्रोडक्ट पर काम करता नजर आए तो थोड़ा अटपटा लगता है ना. लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अगर इंसान एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े तो वह छोटे से छोटा काम करके भी सफल हो सकता है, और इसी बात को साबित किया है वर्गीस कुरियन जी ने, जिन्हें अमूल कंपनी का फाउंडर माना जाता है. दोस्तों, दरअसल अमूल कंपनी की शुरुआत गुजरात के छोटे छोटे गाँव के गरीब दूध उत्पादकों को उनका हक दिलवाने के लिए किया गया था, और यह बात है करीब 1946 की, जब भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था और उस टाइम गांव के गरीब किसानों को दूध मजबूरन दलालों को बेचना पड़ता था, जो कि उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के तौर पर खा जाते थे. लेकिन इसके अलावा भी गरीब किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कुछ ही गिनी चुनी डेयरी कंपनियों ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा रखा था, और गांव के गरीब दूध उत्पादकों को ही उनका अधिकार दिलवाने के लिए त्रिभुवनदास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई के साथ अमूल कंपनी की शुरुआत की, जिसका रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 1946 को एक कॉरपोरेटिव कंपनी के तौर पर किया गया. दोस्तों, कॉरपोरेटिव कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसे कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया होता है. आगे चलकर त्रिभुवनदास के कहने पर 1949 में वर्गीस कुरियन ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने 1948 में अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी. देखिए दोस्तों, वर्गीस कुरियन अगर चाहते तो वे एक अच्छी खासी नौकरी करके भी ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने देश के किसानों की सहायता करना पसंद किया. और फिर कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आई कि पॉलसन डेयरी ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा रखा था. क्योंकि पॉलसन डेयरी उस टाइम की एकमात्र सबसे बड़ी डेयरी कंपनी थी, इसीलिए गरीब किसानों को बिचौलियों के माध्यम से मजबूरन उसी कंपनी को दूध बेचना पड़ता था, और वो भी बहुत कम दामों पर. लेकिन तभी गरीब किसानों को उनके हक को याद दिलाते हुए लोगों को समझाया बुझाया गया कि पॉलसन डेयरी को दूध ना बेचें और अपने इस कॉरपोरेटिव कंपनी को ज्वाइन करें, ताकि बिचौलियों से बचा जा सके और दूध के सही दाम मिल सके. धीरे धीरे गरीब किसानों को अमूल कंपनी का यह मॉडल समझ आने लगा, और इस तरह से बहुत सारे दूध उत्पादक किसान कंपनी के साथ जुड़ने शुरू हो गए. और दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां एकता है वहां जीत है. अमूल कंपनी के दूध धीरे धीरे पूरे देश में पहुंचने शुरू हो गए, और फिर वर्गीस कुरियन ने कम से कम लागत में किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके ऐसा मॉडल तैयार किया. उन्होंने दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए और लोगों को सुविधा हो सके, इसीलिए इस प्रोसेस को कई लेवल पर बांट दिया, जिसमें सबसे पहले गांव-गांव एक यूनियन बनाया गया और वहां पर प्लांट की भी स्थापना की गई. गांव से दूध की क्वालिटी चेक करने के बाद उसे आगे जिलों पर भेज दिया जाता था, और फिर वहां भी जांच के बाद उसे राज्य स्तर पर भेज दिया जाता, जहां पर इसकी पैकिंग होती थी, और कुछ इसी प्रोसेस के जरिए दूध लोगों के घरों तक पहुंचते थे. जल्द ही कुरियन की मेहनत और लगन रंग लाने लगी, और अमूल कंपनी एक के बाद एक बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करने लगी. लेकिन इस कंपनी के सफलता में एक बड़ा योगदान मिल्क पाउडर का भी था, जिसे कि भैंस के दूध से अमूल ने पहली बार बनाया था. दरअसल वैज्ञानिकों का मानना था कि भैंस के दूध का मिल्क पाउडर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वर्गीस कुरियन ने सभी को गलत साबित किया और भैंस के दूध के साथ रिसर्च करते हुए एक नई खोज की. और फिर आगे भी अमूल कंपनी ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ, और आज के समय में अमूल दूध और मिल्क पाउडर के अलावा भी घी, पनीर, आइसक्रीम और मक्खन जैसी बहुत सारी चीजें बनाता है. और अगर आज के समय की बात करें तो अमूल के साथ करीब 32 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो कि रोज दूध की सप्लाई करते हैं. और कुरियन के इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पद्म विभूषण, कृषि रत्न और पद्मश्री जैसे बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, और लोग उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. हालांकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं,
9 सितंबर 2012 को गुजरात में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन दोस्तों, ऐसे शख्स भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके विचार और कर्म हमेशा जीवित रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।